फिर चाहे आपका घर नया हो या फिर पुराना हो, सीलन की समस्या अगर वहां पर होती है तो इससे आपका नुकसान ही होता है। जैसे कि ये सीलन की समस्या आपके घर का पेंट खराब कर देती है, पेंट की पपड़ियां निकलने लगती है, जब यह समस्या ज्यादा हो जाती है तो आपका प्लास्टर भी खराब कर देती है। अगर ये दीवार की सीलन की समस्या आपके फर्नीचर तक पहुंच जाती है तो आपका फर्नीचर भी खराब हो जाता है। और जब ये सीलन की समस्या आपके सरिया के संपर्क में आती है तो सरिया जल्दी जंग पकड़ने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस सीलन की वजह से आपके सेहत के ऊपर भी बुरा असर होता है। तो आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आपके दीवार के ऊपर सीलन हो चुकी है तो आप उसका इलाज किस तरह से कर सकते हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये सीलन किस वजह से हुई है वो वजह जानना, क्योंकि जब आप उसके ऊपर इलाज करते हो तो आगे चल के आपको सीलन की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपके दीवार के ऊपर सीलन आ चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है कि जिस दीवार के ऊपर सीलन आ चुकी है उसका आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना है। सरफेस का पहले तो प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर जिस दीवार के ऊपर सीलन का पैच है वहां पर आपको अच्छे से सफाई कर लेनी है। वायर ब्रश या फिर पतरे की मदद से आपको उस दीवार को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। जब भी आप उस पैच को साफ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उस पैच को साफ नहीं करना है, बल्कि उसके साइड में आपको एक एक फीट तक उस पैच को क्लियर करना है। और जब भी आप उस पैच को साफ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पपड़िया या फिर लूज प्लास्टर को वहां पर पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप उन्हें पीछे छोड़ देते हो, उसके ऊपर आप कितने भी अच्छे कंपनी का या फिर कितना भी महंगा कोट क्यों ना करवा लो, पर उसका असर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आपको क्लीनिंग के तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। जब आपका क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो दीवार को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। वहां पर किसी भी प्रकार के अगर क्रैक है तो आपको पहले तो क्रैक फिलर की मदद से उसे अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब आप क्रैक को अच्छे तरीके से फिल कर देते हैं तो बारी आती है पहले कोट को अप्लाई करने की। तो यहाँ पर हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं तो उस केमिकल का नाम है डॉक्टर फिक्सिट श्योर सील। तो जब आप इस केमिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको पहला कोट जो है वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है। जब भी आप इस कोट को अप्लाई करते हैं तो दो चीजों के तरफ खास करके ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि जब भी आप कोट को अप्लाई करने वाले हैं तो सीलन का जितना पैच है उससे भी एक फीट ज्यादा आपको इस पैच को अप्लाई करना है। और जब भी आप पैच को अप्लाई करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस कोट को अप्लाई करना है। अब ये जो केमिकल है, ओरिजिनली इसका कलर व्हाइट होता है, पर अगर आप चाहते हो दीवार के ऊपर आपको कोई कलर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली दीवार का जो स्टेनर है उसे डायरेक्टली इस केमिकल के अंदर मिक्स कर सकते हो और उसे अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हो। इससे कि आपका पैच का कलर और दीवार का कलर अलग से दिखाई नहीं देगा। और जब भी आप पहला कोट अप्लाई करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि इस केमिकल में आपको किसी भी प्रकार के पानी को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डब्बे को खोल के ब्रश की मदद से इस कोट को अप्लाई कर सकते हो। जब आपका पहला कोट कंप्लीट हो जाता है तो आपको 6 घंटे तक उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। जब 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको सेकंड कोट को अप्लाई करना है। जब भी आप सेकंड कोट को अप्लाई करते हो तो सेकंड कोट आपको वर्टिकल अप्लाई करना है। और जब दोनों कोट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 24 घंटे बाद आपकी दीवार कंप्लीट हो जाएगी सीलन का सामना करने के लिए। अब ये जो डॉक्टर फिक्सिट श्योर सील केमिकल है इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर फिक्सिट इसकी 5 साल की वारंटी देता है। ये जो केमिकल होता है ये आपकी दीवार के ऊपर एक ब्रीदेबल कोटिंग बनाता है जिससे कि भाप अंदर आती है पर पानी आपके दीवार के अंदर नहीं आ पाता। और ये जो कोट आप अप्लाई करते हो ये बहुत ही लचीला होता है, जिस वजह से आगे चल के इसमें आपको जल्दी क्रैक नहीं दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्ट की तो आपको इस कोट को लगाने के लिए लगभग 10 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आता है। ये प्रोडक्ट आपको 1 किलो, 5 किलो और 20 किलो की पैकेजिंग में भी अवेलेबल है। और अगर हम कवरेज की बात करते हैं तो 1 किलो में आपका लगभग 20 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर हो जाता है 2 कोट के लिए। अगर हम 1 किलो की पैकेजिंग की कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको 1 किलो की पैकेजिंग जो है वो 300 से लेकर 350 रुपए तक मिल सकती है। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो 24 महीने से पुराने वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिए। तो अब हमने ये जाना कि किस तरह से हम दीवार की सीलन का उपाय कर सकते हैं। तो अब हमें ये जान लेना चाहिए कि जो सीलन निर्माण होती है उसके पीछे क्या कारण होता है। जब आप इसके पीछे का कारण ढूंढ लेते हो और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो आगे चल के आपके घर के अंदर कभी भी सीलन की समस्या निर्माण नहीं होती है। सबसे कॉमन समस्या हो जाती है जिसे कि राइजिंग डैम्पनेस भी कहा जाता है। ये जो डैम्पनेस होती है ये आपके जमीन से लेके ऊपर के दीवारों की तरफ आने लगती है। इसका सबसे मेन रीजन ये हो जाता है कि जो आपने मटेरियल फील किया होता है उसके अंदर जो है पानी घुस जाता है और जो है आपकी दीवारों से होता हुआ ऊपर की तरफ आता है, जिसे कि कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जो आपकी ईंट होती है वो गीली होती है, उसके ऊपर की जो ईंट है वो गीले पानी को और भी खींच लेती है
और इस तरह से जो है दीवार जो है ऊपर की तरफ गीली होती जाती है। ये चीज पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो आपकी स्कर्टिंग होगी उसके ऊपर से जो है आपको सीलन की समस्या दिखाई देनी शुरू। तो इस चीज का समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए एकदम सिंपल चीज होती है जिसे कि कहा जाता है डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। जब भी आपका फिलिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है आपको एक कंक्रीट का बेल्ट देना है आपकी दीवार के ऊपर। अक्सर ही अगर आप पीसीसी करते हैं तो पीसीसी आपकी दीवार के ऊपर आनी चाहिए जिससे कि एक बेल्ट बन जाता है आपकी दीवारों के बीच में। इसका फायदा यह हो जाता है कि जब भी अगर नीचे से ईंटें पानी खींच भी लेती है ऐसे वक्त में बीच में कंक्रीट का बेल्ट होने की वजह से पानी ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा पाता। तो ये मुख्य फायदा आ जाता है डीपीसी का, इस वजह से आपकी सीलन की समस्या जो है आगे चल के बढ़ नहीं पाती। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि बाथरूम के रिलेटेड। अक्सर आपने देखा होगा कि बाथरूम में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। अब जब पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है ऐसे वक्त में जो आपकी टाइल्स होती है उनके बीच के जो गैप्स होते हैं उनमें पानी जो है वो चला जाता है। ये पानी जो आगे चल के नीचे चला जाता है उसे दीवारें खींच लेती है और आपकी डैम्पनेस की समस्या जो है वो शुरू हो जाती है। होता यह है कि जो हनी ट्रैप के जो कॉर्नर्स होते हैं वो अक्सर खुल जाते हैं तो उसके पास से जो है पानी ज्यादा करके नीचे चला जाता है क्योंकि आपका बाथरूम का ऑलरेडी स्लोप भी नानी ट्रैप के तरफ होता है। वो जो गैप होगा नानी ट्रैप और टाइल इन दोनों के बीच में उसे आपको सीमेंट से भर देना है। इससे फायदा यह होगा कि पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लंबिंग लाइन के रिलेटेड। अब जब भी आप प्लंबिंग करते हैं ऐसे वक्त में अच्छे क्वालिटी का प्लंबिंग मटेरियल इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो प्लंबिंग लाइन होगी उनका आप एक बार टेस्टिंग करवा लीजिए जिससे कि आपको पता चलेगा कि कहीं पर लीकेज है या नहीं। अगर लीकेज की समस्या होती है ऐसे वक्त में वो आगे चल के सीलन का रूप धारण कर सकती है। अब यहाँ पर आपको आपकी प्लंबिंग लाइन जो है उन्हें क्लियरली चेक कर लेना है। जो आपके बाथरूम के आसपास जो डैम्पनेस आती है इसे पहचानने का सबसे मेन तरीका यह होता है कि आपके बाथरूम की जो आसपास की वॉल होती है वो गीली होने लगती है। तब आप ये चीज समझ लीजिए कि ये जो आपकी सीलिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है ये आपके जमीन से नहीं हो रही बल्कि आपके बाथरूम से हो रही है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर बार जो है समस्या जो है बॉटम से ही आए। कभी कभी होता यह है कि टॉप से यानी कि आपकी जो छत होती है वहां पर भी सीलिंग की समस्या शुरू हो जाती है। अक्सर जो आपकी छत होती है वहां पर पानी जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वो दीवार से होता हुआ या फिर आपके स्लैब से भी नीचे आ सकता है क्योंकि सालों साल तक वहां पर पानी जमा होता है जो कि आगे चल के स्लैब से नीचे आ सकता है। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो ऐसे वक्त में आपके जो रेन वाटर पाइप होंगे उनसे आपका पानी जो है वो नीचे चला जाना चाहिए। स्लैब के ऊपर कहीं पर भी आपका पानी जो है वो जमा नहीं होना चाहिए। और अगर आप वाटर प्रूफिंग कर लेते हैं तो ये तो अच्छी बात हो जाएगी आपके स्लैब के लिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर सोर्स। अब होता यही कि आपका जो घर होता है अक्सर ही उसके पास जो है पानी का कोई ऐसा सोर्स होता है जो कि जमीन से बहुत ही ज्यादा पानी जो है आपके प्लिंथ के अंदर भेजता रहता है। जैसे कि आपके आसपास कोई गटर है या फिर तालाब है जिससे कि आपके प्लिंथ में जो आपने मटेरियल फिल किया होता है उसके अंदर जो है वो पानी घुस जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सीलन की समस्या अक्सर ही बरसात के दिनों में आपने देखी होगी। अगर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं है तो वहां पर अगर हवा खेलती नहीं है ऐसे वक्त में होता यह है कि जो वॉल डैम्प होती है वो जल्दी सूख नहीं पाती और ये जो डैम्पनेस होती है वो बढ़ती जाती है। तो इस वजह से आपके घर में अच्छा खासा वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले पॉइंट में कहा कि वेंटिलेशन की वजह से आपकी सीलन की समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। उससे भी थोड़ा सा कम करने का काम जो है आपका सनलाइट करता है। अगर आपके घर में प्रॉपर तरीके से सनलाइट आती है ऐसे वक्त में डैम्पनेस थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके घर की जो सीलन की समस्या है जो है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। और जब आप इन चीजों को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं और आगे चल के जब आप अपना कोटिंग करते हैं या फिर कोई और चीज करना चाहते हैं या फिर वहां पर प्लास्टर करवाना चाहते हैं पेंट करवाना चाहते हैं तो इस चीज का आपको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन मिल पाता है। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।